नमस्कार, स्वागत है आपका जीविन 24 में और मैं हूं आपके साथ रीशु चौधरी। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों पर। एयर इंडिया एक्सप्रेस की 70 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल, बड़ी तादाद में छुट्टी पर क्रू मेंबर। कर्नाटक के पूर्व मंत्री एचडी रेवन्ना की हिरासत आज होगी खत्म, दोबारा कोर्ट में पेश करेगी एसआईटी। रूस बातचीत के लिए तैयार लेकिन यूक्रेन में जीत कर रहेगा, बोले पुतिन। आरक्षण पर कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे, स्मृति ईरानी का बयान। राफा बॉर्डर पर कब्जे से हमास को खत्म करने में मिलेगी मदद, नेतन्याहू का बयान। अरुणाचल प्रदेश में महसूस किए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.1 मापी गई तीव्रता। टी20 क्रिकेट में 350 विकेट का आंकड़ा छूने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने युजवेंद्र चहल। व्लादिमीर पुतिन ने लगातार 5वीं बार ली राष्ट्रपति पद की शपथ, कहा रूस और मजबूत होकर उभरेगा। लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण में दर्ज हुआ करीब 64% मतदान। मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई, कोर्ट में ईडी सीबीआई को दिया गया था नोटिस। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जीवन 24।